तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेक्टेंगल टू राउंड हॉपर कैसे बनाना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये रेक्टेंगल है और ये राउंड है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में अंतर ये है कि इसमें जो रेक्टेंगल है वो बड़ा है और राउंड छोटा है। लेकिन पहले मैंने जो बताया था उसमें जो सर्कल है वो बड़ा था, मतलब जो राउंड था वो बड़ा था और जो रेक्टेंगल था वो ऐसे छोटा था। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट वीडियो है, ये चौथा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो, और दूसरा वीडियो जो है वो है हमारा राउंड टू स्क्वायर का। ठीक है, मतलब ये हो गया राउंड और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और राउंड में आपको अगर अंतर मालूम नहीं है तो आप हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं, आपको वहां पे ये सब के बारे में सब कुछ जो भी बेसिक है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो पहला था हमारा वीडियो वो था स्क्वायर टू राउंड, मतलब स्क्वायर बड़ा था ऐसे और ये वाला राउंड वाला छोटा था। ठीक है, आप चारों में देख सकते हैं क्या अंतर है। तो ये भी वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा स्क्वायर का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा इधर का 150, इधर का 100, और जो हमारा सर्कल रहेगा सेंटर में, ठीक है, वो रहेगा हमारा 50 डाया का। यहाँ लिख देता हूँ मैं 50 डाया का। ठीक है, ये अभी सेंटर में है, और आने वाली वीडियोस में हम इसके ऑफसेट के बारे में भी बात करेंगे, मतलब यही सर्कल अगर थोड़ा साइड में आ जाता है या किधर भी आ जाता है तो उसको कैसे बनाना है वो सब भी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कमेंट आए हैं सावन निषाद की तरफ से कि सर 2100 mm डाया का एक माइटर बैंड बना के दिखाइए 90 डिग्री का 16 सेंटर लाइन में। तो देखिए, आपको जो है ये वीडियो संडे तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, जोगिंदर राउत जी लिखते हैं कि जो आप इसमें सेंटर लाइन जो देते हैं उसको और बढ़ा के बताइए। तो देखिए, बढ़ा के मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, या फिर मैं एक वीडियो जो है बना दूंगा कि उसमें मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सर्कल को कैसे जो है सेंटर लाइन में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब चार सेंटर लाइन, 8, 16, ऐसे करके करके सर्कल को कैसे डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, नीचे में आप लिख दीजिए जो भी आपको पूछना है, मैं जल्द ही उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सबसे पहले 100 एक साइड का, ओके, और उसके बाद इसको जो है बिल्कुल राइट एंगल में ऐसे खींचना है आगे तक, और ये हमारा है 150। तो राइट एंगल में कैसे खींचना है ये सब जो है मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि सभी वीडियो में बताना जरूरी नहीं है। ओके, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 150 by 100 का एक यहाँ पे रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका हाफ करेंगे, जैसे ये हमारा है 150, तो यहाँ पे 75 मारना है, इधर भी 75, और इधर 100 है तो इधर का हमें 50 मारना है, और सेम इधर भी 50, और उसके बाद आपको इसे ऐसे करके और इसके बाद इसको ऐसे मिला देना है ऐसे, और सेम आपको ये भी ऐसे ही मिला देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सेंटर पॉइंट आ चुका है। अब इसी से हम जो है कि यहाँ पे सर्कल भी मारेंगे। तो सर्कल का डाया है हमारा 50 mm, तो यहाँ पे मैं 25 सेट कर लेता हूँ उसका रेडियस, मतलब हाफ, और यहाँ पे ऐसे रख के और ऐसे, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सर्कल जो है ड्रॉ कर दिया है 50 mm डाया का। अब आपको क्या करना है, अब इसको सेंटर लाइन में डिवाइड करना है सर्कल को। तो देखिए, सेंटर लाइन को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे ऐसे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट पे रखना है और इसको ऐसे मार देना है इधर, ओके, और सेम इधर भी ऐसे मार देना है,
और उसके बाद सेम इधर भी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसे जो है ज्यादा सेंटर लाइन में डिवाइड करना है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इसको आप ज्यादा सेंटर लाइन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे सेंटर लाइन में डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब सभी को आपको मिला देना है इसे यहाँ से लेकर के और इस कॉर्नर तक ऐसे, और फिर इसको ठीक है, और ऐसे आपको सभी में कर देना है। जरूरी तो नहीं है लेकिन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको जो है लाइन सभी को मिला दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेप वन हो गया, पहला स्टेप ये हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे दिखाते हैं आपको। तो इसका जो हाइट है यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, ये रहेगा 90 mm। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 100 का एक है और 150 है तो इसलिए 90 ले लेता हूँ, डिफरेंट रहेगा तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ऐसे लाइन खींचना है, राइट एंगल में आपको ऐसे लाइन खींचना है, और जो हमारा हाइट है मतलब 90 mm वो आपको क्या करना है, ऐसे मार देना है इधर में ऐसे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट 90 mm। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ क्योंकि सभी वीडियोस में ऑलरेडी मैंने 0 ही रखा है, तो इसमें भी मैं 0 ही रखता हूँ। ये हमारा हो गया 0, 1, 2 और 3। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरीके से इस कॉर्नर पे रखना है पॉइंट को, और यहाँ पे 0 ऐसे देख लेना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो इस पे आना है स्टेप 2 जो कि है हमारा दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट पे रखना है ऐसे और इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 का। ओके, अब हमें यहाँ पे 1 का लेना है, तो सिंपली यहाँ पे हम पहले वाला स्टेप पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 1 कहाँ पे है और उसका डिस्टेंस कितना है। तो देख सकते हैं ये हमारा 1 का है डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आना है और यहाँ पे कॉर्नर पे रखना है पॉइंट को और ऐसे करके ऐसे मार देना है। तो ये हो गया हमारा 1 का पॉइंट। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 का लेना है, तो देख सकते हैं ये हमारा 2 का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ओके, तो आपको तो स्टेप 2 में आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट रख के और यहाँ पे ऐसे मार देना है। तो ये हो गया हमारा 2 का पॉइंट। अब हमें यहाँ पे 3 का पॉइंट मारना है, तो फिर से फर्स्ट स्टेप वाला में आएंगे और यहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे और इसको ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 3 पे सेट है। ओके, और मैं यहाँ पे स्टेप 2 पे आना है और यहाँ पे मार देना है ऐसे करके, और ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का। ओके, तो यहाँ पे चारों हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच देना है सभी को, एक एक करके। लाइन नहीं भी खींचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खींच देंगे तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने सभी में लाइन खींच दिया है। तो अब चलिए फाइनली हम मार्किंग करेंगे प्लेट में, मतलब जिस भी प्लेट में आपको बनाना है उसमें आपको मार्किंग करना है और उसी को कटिंग करके पंचिंग करके और आपको फिटिंग कर देना है। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जो है इसका पूरा डिटेल प्रोसीजर बताया, कैसे कटिंग कैसे फिटिंग होता है, सब मैंने आपको उसमें टिप्स भी बताया हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में तो आप जो है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लेट ले लिया है कि जिसमें हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये ऐसे रेक्टेंगल है 150 by 100। ओके, तो पहले हम यहाँ पे 150 का खींचेंगे, उसके बाद 100 को हाफ कर देंगे और इसको यहाँ पे हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, और बीच में से यहाँ पे सर्कल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 150 का जो हमारा है उसको खींचते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 150 का एक लाइन खींच दिया है और यहाँ पे सेंटर इसका मार देना है 75। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्टेप 2 हमने जो यहाँ पे किया है उसमें से आपको ऐसे करके मेजर कर लेना है एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 0 वाला मेजरमेंट उठाना है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइडर रखना है और यहाँ पे देखना है कि जीरो कहाँ पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जीरो है। तो अब आपको क्या करना है, प्लेट में आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जीरो का मारना है। तो ये जो हमने अभी 150 का यहाँ पे जो लाइन खींचा है ये वाला, इसके एंड पे आपको ऐसे रखना है और ऐसे आपको मार देना है, बिल्कुल मतलब बीचों बीच होना चाहिए। और सेम इधर से भी ऐसे यहाँ पे रख के एंड पॉइंट पे और इसको ऐसे मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस कटिंग हो रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो का पॉइंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस डिवाइडर को यहाँ पे हमें सेट कर लेना है जो हमने यहाँ पे स्टेप वन में जो मार्किंग किया था उसमें। तो ये हमारा हो गया स्टेप वन का, ओके। और इसमें अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे सेंटर लाइन जो डिवाइड किया था उसमें हमें यहाँ पे सेट कर लेना है ऐसे, ठीक है। और ये सभी सेम होना चाहिए, ये आपको मिला लेना है, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेटिंग कर लिया है इसको, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा, इसको मैं अब छेड़छाड़ नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ज्यादा छेड़छाड़ करने से फिर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, ओके। तो सेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे ऐसे रख के और ऐसे करके ऐसे घुमा देना है, ओके। और सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ा वाला डिवाइडर लेना है, और जीरो का तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी। अब हमें एक का डिस्टेंस देखना है कि एक में हमारा कितना डायमेंशन है। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टेप टू में जो हमने यहाँ पे किया है उसमें जाएंगे और यहाँ पे एक पे हमें सेटिंग कर लेना है, ठीक है। जहां पे भी एक आ रहा है वहां पे हमें डिवाइडर एडजस्ट करके और इसको ऐसे सेट कर लेना है, ओके। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पे सेटिंग कर लिया है। और फिर से आपको मतलब जहां पे मार्किंग कर रहे हैं उस पे जाना है और एंड पे यहाँ पे ऐसे रख के, ये एंड पॉइंट है, इस पे रख के और ऐसे मार देना है, ठीक है। और सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है, इधर आपको एंड पे रखना है ऐसे रख के और इसको ऐसे मार देना है, ओके। तो ये हमारा हो गया एक का पॉइंट, ओके। अब हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेना है। तो दूसरा लेने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइडर देखिए लेंगे। और ये डिवाइडर मतलब अभी मैंने इसको कुछ किया नहीं है, यहां से यहां जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इधर भी आपको ऐसे लेके और ऐसे मार देना है, ओके। और सेम आपको इधर भी मारना है ऐसे ही, ओके। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ा वाला डिवाइडर लेना है और स्टेप टू में जो हमने मार्किंग किया है उस पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि टू का डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे टू पे हमें सेटिंग कर लेना है ऐसे और फिर वापस हमें जाना है जहाँ पे मार्किंग हो रहा है वहां पे और ऐसे रख के और ऐसे मार देना इधर भी और सेम इधर भी, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमें तीसरा पॉइंट मारना है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे छोटा वाला डिवाइडर लेंगे और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो ये भी आपको सेम ही रखना है, ओके। और फिर से यहाँ पे बड़ा वाला डिवाइडर लेना है और देखना है कि तीन का पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ से ऐसे रखना है इसको और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी तीन पे सेट है। तो आपको यहाँ पे आना है और ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे खींच देना है इधर का और सेम इधर का भी। तो ये हो गया हमारा तीन का पॉइंट कंप्लीट। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है ऊपर का, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है स्केल पट्टी से ऐसे करके, ओके। तो ये हमने मिला दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऐसे मिलाना है, मतलब ये सेंटर का जो पॉइंट है उसको और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक है। और ये वाला को भी ऐसे मिलाना है, ये तीन का जो हमारा पॉइंट है उसको और इस एंड वाला पॉइंट से ऐसे, ओके। और सेम इधर में भी ऐसे मिलाना है,
ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा तीन का पॉइंट है उसको ऐसे, ओके। और उसके बाद बीच बीच का जो है वो भी मिला देना है ऐसे करके। तो यहाँ तक होने के बाद देखिए ये हमारा 150 का जो साइड है वो तो रेडी हो चुका है। अब हमें 100 का लेना है। तो 100 का लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे दो पार्ट में यहाँ पे बनाना है, तो दो पार्ट मतलब कि 100 डिवाइड 2 कर देना है, मतलब कि 50 mm कर देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइडर लेना है, ठीक है, और उसमें आपको सेट करना है 50 mm। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे 50 पे सेट कर लिया है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे रख के और ऐसे इसको ऐसे मार देना है, ठीक है। तो इधर भी आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे इसको घुमा देना है सर्कल, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको ऐसे लाइन डोरी पकड़ना है यहाँ से, ठीक है। और देखना है कि यहाँ पे मतलब कि कहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे टच होगा वहीं पे आपको रोक के और लाइन डोरी मार देना है। तो देख सकते हैं अभी हमारा टच हो रहा है, तो इसको ऐसे मार देना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे टच हो रहा है तो इसको इधर से ऐसे मार देना है, या फिर आप इसको अगर कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तो आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें देख सकते हैं कि ट्रायंगल सॉल्वर एप्लीकेशन से कैसे इसको निकाल सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, ये हमारा हो गया एच, ये हो गया बी, ये हो गया पी। तो हमें निकालना है पी, एच का तो हमें मालूम है ऑलरेडी, यहाँ पे ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये लगभग 115 है, और ये बी बेस, तो ये बेस कितना है, ये हमारा 50। तो 115 और 50 का जब आप निकालोगे तो जितना आएगा उतना इधर से टेप पकड़ के मार देना है, और जहां पे आ रहा है वहीं से ऐसे लाइन खींच देना, ओके। सेम आपको इधर भी करना है ऐसे ही, ओके। तो ये हमारा हो चुका है मार्किंग पूरा रेडी, अब इसको कटिंग करना है और फिटिंग करना है, ओके। तो देख सकते हैं हमारा रेक्टेंगल टू राउंड होकर रेडी हो चुका है बनके। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। और आप अगर बनाने वाले हो रियल में तो आप इसको जो है ऐसे ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो जो है आपको बनाने में थोड़ी आसानी होगी अगर आप पहली बार बना रहे हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।